हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा न्यू वीडियो, उसका टॉपिक है कि बैट को हमें कैसे पकड़ना चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैट को कैसे पकड़ना चाहिए। तो बने रहिए गाइस वीडियो में। तो गाइस, देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में बैट है एसजी का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैट को होल्ड कैसे करना चाहिए, जो ग्रिप, बैट की ग्रिप होती है वो हमें कैसे पकड़नी चाहिए। तो बने रहिए गाइस वीडियो में। तो गाइस, मुझे काफ़ी लड़कों का मैसेज भी आया मुझे, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, और यूट्यूब पे मुझे कमेंट आया कि भैया आप वीडियो बना दो बैट बिगनर के लिए, बैट कैसे पकड़ना। तो बैट पकड़ना सबको आता है, आजकल जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं सबको बैट पकड़ना आता ही हो। तो गाइस, आपको बैट पकड़ना तो आता है, पर आपको ये पता नहीं होगा कि जो बैट को पकड़ते हैं उसका रियल जो होती है ग्रिप, उसकी क्या ग्रिप होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो गाइस, अगर आपको प्रॉपर ग्रिप देखनी है तो आप महान बल्लेबाज एबीडीपीएस और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को आप देख सकते हैं। तो गाइस, उनकी जो ग्रिप होती है, उनकी गोती ग्रिप होती है, वो होती है वी शेप ग्रिप। तो वी शेप ग्रिप में क्या होता है, ये आप बैठ कर देख सकते हैं। मेरे हाथ में तो देख सकते हैं दो हाथ है, तो वी, ये देख सकते हैं आप वी है। तो सेम हमको बैट के लिए वी बनाना है। कैसे बनाएंगे हम वी, देख सकते हैं आप, ये बैट है। तो अब देखिए गाइस, ये बैट है, तो अब मैं वी शेप ग्रिप बना रहा हूं। देखो कैसे बनानी है, ये बैट है ना, ये मैं सीधा ले गया और देख के यहाँ बिल्कुल सीधा, और दूसरा हाथ होगा इसको भी सेम वी शेप में। तो अब जो हमने बैट पकड़ा है वो हो गई वी शेप ग्रिप में बैट, हमने जो बैट पकड़ा है ये हो गई वी शेप है, ठीक है। तो वी शेप बैट की ग्रिप अब ये हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, कि अगर आपको सही तरीका जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। तो ये हमारी प्रॉपर ग्रिप हो गई, जो हमारी बेसिक होता है, जो हमको कोचेस सिखाते हैं आजकल के, वो ये सिखाते हैं कि जो हमारी ग्रिप होगी वो बिल्कुल वी शेप होगी। अगर हमारी जो ग्रिप होगी वो वी शेप होगी तो उससे हमारे शॉट बिल्कुल, जो सारे ऑफ साइड के शॉट होंगे वो भी अच्छे कनेक्ट होंगे, वो भी अच्छे टाइम होंगे, और जो स्टेट के जितने भी शॉट होंगे सारे अच्छे टाइम होंगे। और इससे जितने हमारे लेग साइड शॉट हैं सारे अच्छे टाइम होंगे। तो ये ग्रिप काफ़ी बेनिफिट है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी शेप ग्रिप होती है वो सारे शॉट खेलने के लिए हमारे ईजी कर देती है। तो आजकल काफ़ी जो बल्लेबाज हैं उनकी अपनी अपनी ग्रिप भी है, अपने अपने उनके स्टांस है। तो अगर उनको कंफर्टेबल है तो वो कर सकते हैं, पर जो बेसिक है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में। तो अब मैं बताऊंगा आपको, जो महान बल्लेबाज एबीडीप्लेयर्स हैं, तो उनका भी मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में, तो उनसे भी मुझे सीखने को मिला काफ़ी कुछ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ उनके इस वीडियो से देख के अच्छे तक। और जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, उनकी जो ग्रिप है वो भी वी शेप ग्रिप है, इसलिए सारे शॉट उनकी परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपकी ग्रिप जो बेसिक है, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे शॉट परफेक्ट लगेंगे, आपको ना ऑफ साइड में दिक्कत आएगी, ना लेफ्ट साइड में दिक्कत आएगी, ना स्ट्रेट में दिक्कत आएगी आपको। तो ग्रिप का मेन खेल है इसमें, सारा खेल ग्रिप का है। और काफ़ी प्लेयर मैंने देखे भी है, काफ़ी प्लेयर मैंने देखे हैं जो जिनकी ग्रिप अलग अलग है, जैसे विराट कोहली है, तो उनकी ग्रिप वी शेप ग्रिप नहीं है उनकी, उनकी जो ग्रिप है वो थोड़ी अलग ग्रिप है उनकी, इसलिए उनका बैट जो आता है वो थोड़ा क्रॉस आता है, क्रॉस, अगर क्रॉस उनको थोड़ा दिक्कत आती है, जो अंदर आती है बॉल, अंदर जो बॉल आती है उनको दिक्कत आती है विराट कोहली को, पर उनको कंफर्टेबल है, वो अच्छे शॉट खेलते हैं लेफ्ट साइड में, क्लिक उनका अच्छा है, तो इसलिए अपनी जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनकी ग्रिप है उससे कंफर्टेबल है, तो फिर सारे शॉट अच्छे खेलते हैं। तो
गाइस जैसे कि आपने देखा होगा विराट कोहली जो है उनका मैंने अभी बताया था कि उनकी ग्रिप जो है वो बिल्कुल अलग ग्रिप है। तो उनकी ग्रिप जो है वो विशेष ग्रिप नहीं है, दूसरी ग्रिप है। तो उनको जो अंदर वाली जो बॉल आती है उनको थोड़ी दिक्कत होती है उसमें दिक्कत, पर उनका ये है कि वो कंफर्टेबल है उसमें तो वो अच्छा खेलते हैं। और मैंने काफ़ी कोचेस को सुना, जैसे नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के पुराने दिग्गज बल्लेबाज भी हैं, पुराने प्लेयर इंग्लैंड के, तो वो बोलते हैं कि जो विराट कोहली हैं उनकी जो ग्रिप है उससे उनको कवर ड्राइव में दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं कि विराट कोहली कवर ड्राइव जो उनका बेस्ट शॉट है उसके लिए नासिर हुसैन ने कहा था कि इस पे उसको दिक्कत आएगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर अपने को ट्राई करिए, ज़रूर अपने जो मेथड है उसको ट्राई करिए। तो विराट कोहली जो महान बल्लेबाज है उन्होंने जो नासिर हुसैन है उनको गलत साबित कर दिया। तो गाइस आप भी अपना मेथड खुद ही खो सकते हैं। तो वही है, विराट कोहली जैसा प्लेयर और उनके बारे में इतनी ऐसी बात नासिर हुसैन ने जब बोली तो मुझे भी काफ़ी बेकार फील हुआ, काफ़ी गंदा फील हुआ। पर उसके बाद विराट कोहली ने बता दिया कि वो कैसा बल्लेबाज है, द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, द किंग, द चेस मास्टर। तो जो भी कम पड़ता है विराट कोहली के लिए, आई हैव नो वर्ड्स टू से फॉर विराट कोहली, सच अ लेजेंड, सच अ लेजेंड गोट। तो सेम नासिर हुसैन की गलत बात जो थी वो गलत साबित हो गई, और हमारे विराट कोहली उनका जो बेस्ट शॉट है कवर ड्राइव, जो लोग बोलते हैं कि उनकी ग्रिप जो है उससे वो कंफर्टेबल नहीं है मारने में और वो उनको दिक्कत आएगी कवर ड्राइव मारने में, तो बहुत मेहनत भी की है शॉट के लिए। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, थैंक यू गाइस। तो गाइस आज का मेरा टॉपिक एंड होता है। अब आप कमेंट करिए गाइस कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको मेरे पे कमी लगी। तो आप पूरा मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।